Dear students of 9th class, today we will discuss one of the question of the same exercise 2.4 of the same chapter polynomials. इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियोस शुरू जरूर शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी फायदा हासिल कर सके। नाउ वी विल डिस्कस टुडेज टॉपिक। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में है पॉलीनोमियल्स, वी हैव टू फैक्टराइज दैट पर्टिकुलर पॉलीनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 5 के चार पार्ट से उसमें से हम एक पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं और बाकी जो तीन पार्ट से उनको एज होम असाइनमेंट आप कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लेना। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, उनको किस तरह फैक्टराइज करते हैं। सॉल्यूशन, टेकिंग पीएक्स सम लेंगे, पीएक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये हमारे पास गिवन पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में हम इजिली मिरर टर्म सब्ट्रैक्ट करते थे और वी गेट द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, लेकिन यहां भी क्यूबिक पॉलीनोमियल है। इन इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे बाय ट्रिवियल मेथड, ट्रिवियल मेथड, ट्रिवियल मेथड। इसमें क्या करना है, हमें ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको देख लेना है। यहां पे ये जो क्वेश्चन है इस पार्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म 2 है। इस 2 के फैक्टर्स हमें देखने हैं, चाहे पॉजिटिव फैक्टर हो या नेगेटिव फैक्टर। क्लियरली वी हैव हियर प्लस 1 माइनस 1, ये भी इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज प्लस 2 माइनस 2, ये इसके चार फैक्टर्स हैं। किसकी, कांस्टेंट टर्म के आपको फैक्टर्स देखने। अब ट्रिवियल मेथड में क्या कर लेंगे, हम देख लें या प्लस 1 से प्लस 1 इस पॉलीनोमियल में सेटिस्फाई होता है नहीं होता, इसी तरह माइनस 1 इस पॉलीनोमियल में सेटिस्फाई होता है नहीं, इस तरह प्लस 2 माइनस 2, ये हमें देख लेना है। अब यहां पे हम टेकिंग प्लस 2, पहले हम प्लस 2 ट्रिवियल मेथड, हम ट्रिवियली कोई वैल्यू ले सकते हैं, इन्हीं में से आपको चूज करना है वैल्यू। प्लस 2 अगर हम देख लेंगे, वी सी हियर पी ऑफ 2, देख लेंगे क्या होगा। पी ऑफ 2 इट इज इक्वल टू, दैट इज रिप्लेस एक्स बाय प्लस 2, इट इज 2 क्यूब, 2 क्यूब इज हियर 8, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 2 दैट इज 8, इट बिकम्स हियर माइनस 8। यहां पे माइनस 2 प्लस 2, क्लियरली वी गेट हियर 0। जिस फैक्टर या जिस नंबर से जो फैक्टर्स होंगे, किसके कांस्टेंट टर्म के, जिस फैक्टर से हमें पॉलीनोमियल वैल्यू 0 मिलेगा बाय फैक्टर थ्योरम, एक्स माइनस दैट पर्टिकुलर रियल नंबर, दैट पर्टिकुलर नंबर एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल। ये पहले आपको ध्यान में रख लेना है, मैं रिवाइज कर लूंगा। ट्रिवियल मेथड में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को लेके जाना है, उसके फैक्टर्स आपको देखने, लिख लिए साइड में, यहां पे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। अब इन्हीं वैल्यू में से आपको चूज करना है, बाय ट्रिवियली आपको चूज करना है। हमने यहां पे चूज किया 2, वी सी हैड पी 2, पॉलीनोमियल वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 2, वी गेट हियर 0। जब हमें 0 मिलेगा देन बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल।
अब क्या करना है, यहां इस पॉलिनोमियल को देख लीजिए, ये दो टर्म्स लेंगे हम, इन दो टर्म्स में हमें क्लियरली वी गेट एक्स स्क्वायर एज कॉमन, वी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर इंटू, यहां पे हमें एक्स रह गया, यहां पे माइनस टू, वी गेट हियर दिस वन एज फैक्टर इन दीज टू टर्म्स। इसी तरह यहां पे इन दो टर्म्स को देख लीजिए, यहां पे हम माइनस वन कॉमन लेंगे, इट बिकम्स हियर, यहां पे एक्स रहेगा, यहां पे माइनस टू रहेगा। सी हियर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट बिकम्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू इट बिकम्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस वन इंटू एक्स इट बिकम्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस टू, इट इज द सेम एज द अबव पॉलीनोमियल। नाउ वी हैव क्लियरली एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर, ये यहां से भी कॉमन मिलेगा और यहां से भी कॉमन मिलेगा, वी गेट हियर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू इंटू यहां पे रहा एक्स स्क्वायर माइनस वन, आगे दो फैक्टर्स, अब जो एक फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है और दूसरा है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट इट इज वेल नोन आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर इज वन, we write this is equal to say x minus 2 into x square minus 1 square, it is we have a well known identity a square minus b square, it is equal to a minus b into a plus b, ye hamare paas well known identity hai, use here a ke badle yahan pe x hai, that is x minus a x, b के बदले है वन एक्स माइनस वन इंटू ए के बदले x, b के बदले है वन प्लस वन, ये हमारे पास इस पॉलीनोमियल के लीनियर फैक्टर्स हैं। इसी तरह वो तीन पार्ट जो रह गए इस क्वेश्चन में वो भी इसी तरह आपको बाय ट्रिवियल मेथड सॉल्व करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।